Hello, hello dear students, this is your English class and we are going to start our chapter Modals. Yesterday I have sent you some PDF for writing. I hope you have already written that. तो जो मैंने आपको कल टॉपिक भेजा था राइट करने के लिए उसी को हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं भाई. मॉडल्स, मॉडल्स होता क्या है? दीज आर वर्ब्स, ठीक है. द फाइनाइट्स विच एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शंस डिनोटेड इन द प्रिंसिपल वर्ब आर टर्म्ड एज मॉडल्स. भाई प्रिंसिपल वर्ब्स क्या होती हैं? जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं वो होती हैं हमारी प्रिंसिपल वर्ब्स, ठीक है. और भाई मॉडल हमें किसके बारे में बताती है? एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ एक्शंस, एक्शन के मोड और मैनर्स के बारे में बताती है. मींस मूड, मूड के बारे में बताती है भाई, ठीक है. एक शॉर्ट डेफिनेशन है, मॉडल्स एक्सप्रेस द मूड ऑफ द एक्शन और वर्ब, ठीक है भाई. मॉडल्स होती कौन सी हैं? यहाँ तक तो आपको डेफिनेशन लिखनी है. मॉडल्स हैं भाई ये, दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ओट टू, हैव टू, हैज टू एंड हैड टू. दीज आर ऑल्सो नोन एज मॉडल एक्सिलरीज, इनको मॉडल एक्सिलरीज भी कहा जाता है, ठीक है. नीड और डेयर को भाई एज ए सेमी मॉडल यूज किया जाता है, ठीक है. ये स्पीकर के एटीट्यूड, ओपिनियन, कंसर्न के बारे में हमें बताती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ मॉडल्स. भाई मॉडल का नेचर क्या है? मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन, अकेली यूज नहीं होती. आई कैन अपॉन द हारमोनियम, ये गलत है भाई. इसकी जो प्रिंसिपल वर्ब है ना वो नहीं है. आई कैन प्ले अपॉन द हारमोनियम, ये जो प्ले आया कहता है कि मॉडल के साथ ये वर्ब जरूर आएगी, ठीक है. मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. भाई जैसे हम टेंस में पढ़ते हैं ना, सिंगल और प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं. पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग भी वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो मॉडल्स हैं ना वो चेंज नहीं होती. आई कैन प्ले, ही कैन प्ले, वी कैन प्ले, दे कैन प्ले. तो ये क्या है कि मॉडल जो है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन और सब्जेक्ट नहीं चेंज होती, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. वो ये सारी के सारे मॉडल सभी पर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं. मॉडल्स डोंट हैव द इन्फिनिटिव फॉर्म. वी कैन नॉट प्लेस टू विद them in order to use them in a sentence. भाई we must to get, ये जो must to get है ना ये कह रहा है कि भाई गलत है, infinitive हम use नहीं कर सकते. हमने इसके साथ ऐसे करना, we must get there before time, ठीक है. जो to आता है ना to, वो उनके साथ already exist होता है. For ought to, have to, has to, had to, क्लियर है. to get नहीं आएगा ऐसे, ये जो इन्फिनेटिव फॉर्म दी है ये नहीं आएगी, क्लियर. नाउ फंक्शंस ऑफ मॉडल्स, हम स्टार्ट करें मॉडल के फंक्शन. विल, भाई विल का फंक्शन क्या है? टू शो प्रोमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन, वी, आई एंड वी. बेटा आई एंड वी
के साथ कह रहा है ये, बट विल को हम ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जब प्रोमिस, अटेंशन और विलिंगनेस की बात आती है ना, तब आई और वी, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस, प्रोमिस कर रहा है। वी विल हेल्प यू, विलिंगनेस भी अपनी इच्छा जता रहा है। आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, ये डिटर्मिनेशन उसका दृढ़ संकल्प है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, इंसिस्टेंस, अजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिट, इनके बारे में भाई रिक्वेस्ट बताता है, इनवाइट करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, किसी को बात मनवाते हैं, अजम्पशंस कोई धारणा बताते हैं, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, हैबिट के बारे में बताते हैं, ठीक है। विल यू प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट, ये इसकी मतलब जब आप इसको पढ़ोगे तो इसकी सेंस से ही दिख रहा है कि भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। सी विल बी इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ये अजम्पशंस है, एक धारणा होती है कि भाई इतने से इतने टाइम तक हम स्कूल में होते हैं, तो भाई कोई जर्नल सी अगर बात की जाए कि भाई मुझे आपने ये बात क्यों नहीं बताई, तो दूसरा क्या कहता है कि मुझे लगता था कि आप स्कूल में होगे, दैट इज़ अजम्पशंस, ये उसकी एक धारणा है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम स्कूल में होते हैं। द लायन विल यूजली किल अदर एनिमल्स, ये उसकी लायन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी भाई, हैबिट होगी कि वो दूसरे एनिमल्स को किल करता है। नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल, भाई विल को नेगेटिव फॉर्म और उसकी शॉर्ट फॉर्म अगर आप पढ़ें तो कैसे लिखे, एक तो ऐसे नहीं लिखते हैं भाई, विल नॉट, और इसको लिखेंगे विलंट, ठीक है। आई विल नॉट स्पेंड माई पॉकेट मनी, सी विलंट ईट अनहाइजेनिक फूड, दे वुड विलंट विन द मैच, माई फ्रेंड विल नॉट अटेंड द पार्टी, ये इसकी नेगेटिव फॉर्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज वुड, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, जैसे विल की विल प्रेजेंट है और वुड पास्ट है, जैसे इज एम आर प्रेजेंट है, वोज वर पास्ट है, इन द सेम वे इट एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की पास्ट फॉर्म को बताता है। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड डांस ऑफ माई मैरिज फंक्शन, ही वुड डांस एट माई मैरिज फंक्शन, भाई हम वुड को एज ए पास्ट फॉर्म कब यूज करेंगे, इसको एक मतलब दो सेंटेंस मिलेंगे विद अ कंजंक्शन, और उसका जो फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट में आपको सिंपल पास्ट टेंस मिलेगा, तो ये एक सीधी सी बात बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस मिलता है तो आप इसका जो सेकंड पार्ट होगा मॉडल की अगर बात कर रहे होंगे तो आप वुड भर देंगे वहाँ पे, ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज हाउ ही वुड रीच देयर, जैसे ये वोज आ गया भाई, ये भी पास्ट है तो इधर क्या फिल कर दिया, वुड। नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, भाई पास्ट की किसी की कोई हैबिट है उसके बारे में बताता है, जैसे कि वो पहले जब वो बचपन में था या यंग था तब वो ये काम करता था बट अब नहीं करता, दैट एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो ये वुड आया तो इससे क्या है कि ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, वो पीता था मॉर्निंग के अंदर, ये उसकी पास्ट हैबिट है। माई फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई जब जो मेरे फादर क्या हैं उनकी ये हैबिट है पास्ट से ही है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। फॉर रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक, भाई हम किसी की से कोई चीज़ मांगते हैं ना तो उसको एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म में मांगते हैं, तो ये वुड यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, वुड यू गिव मी प्लीज़ योर बुक, लाइक दैट। वुड यू लाइक टू स्पेंड दिस इवनिंग विद मी, तो ये एक तरह से रिक्वेस्ट है विद ऑफर
टू एक्सप्रेस विश, भाई अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए, भाई हम विश मांगते हैं कि काश ऐसा हो जाए, आई विश शी वुड बी हेल्दी, यू वुड बी एन इंजीनियर, कि काश कि तुम इंजीनियर बन जाओ, वो जल्दी से ठीक हो जाए. नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन, किसी इमेजिनरी कंडीशन को, कि काश मुझे ये मिल जाए, काश ये हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी कंडीशन. आई वुड हैव अ बिग हाउस इफ़ आई अर्न्ड 10 करोड़ एवरी ईयर. तो ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है. तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वहाँ भी हम वुड का यूज़ करते हैं. नेगेटिव फॉर्म ऑफ वुड, वुड वुड नॉट वुडंट, ठीक है. ओके, वी विल डू टिल हेयर. नेक्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन टुमारो. ओके, थैंक यू.